आज का टॉपिक है आपका कॉपी एंड पेस्ट। तो आपको कैसे कॉपी करना है और कैसे पेस्ट करना है वो आज आपको बताया जाएगा। और इससे पहले का सेशन आपको बेवल और फिलेट पे हुआ था, तो उस बेवल एंड फिलेट का यूज़ यहाँ पर करना है। सॉरी, बेवल का चैम्फर एंड फिलेट। तो यहाँ पर ये आप देख रहे हो, यहाँ पर ये चैम्फर एंड फिलेट का ही काम है ये। तो कैसे आपको चैम्फर एंड फिलेट करना है वो भी आपको बताएंगे, और कॉपी पेस्ट कैसे करना है। जब आप कॉपी पेस्ट करोगे तो आप देखोगे कि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही है। काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं आपके, जैसे ये ऑब्जेक्ट देखो, एक स्टम्प है, ये क्रिकेट मैच का एक पूरा सीन, ये बैट है, ये बॉल है, बॉल थोड़ी सी बड़ी हो गई फुटबॉल की तरह, चलो कोई बात नहीं, आप लोग इसको छोटी करना। और ये गुल्ली, गुल्ली ऊपर रखी जाती है, और ये स्टम्प आप देखो इसमें, यहाँ पर देखो ये पिंक कलर का, एक ये एक ये एक ये, ऐसे 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 करके काफ़ी सारे रिंग सी बनी हुई है। तो ये कुछ नहीं है, इसको कॉपी पेस्ट किया गया, एक के ऊपर काम किया गया, एक बनाया उसके बाद कॉपी पेस्ट। फिर आप ये देखो यहाँ पर स्टम्प, एक स्टम्प पे काम किया, एक स्टम्प बनाया, उसके बाद में एक दो तीन, तीन स्टम्प ये बनाए कॉपी करके एंड कॉपी पेस्ट करके, एक दो तीन, तीन स्टम्प ये और बना दिए। तो इसमें काम क्या करना है आपको, केवल एक ऑब्जेक्ट पे काम करना है। फिर देखो ये एक स्फीयर है, ये तो सिंपल स्फीयर है, बस लिया और इसका साइज छोटा कर दिया। और फिर यहाँ पर देखो तीन छोटे छोटे स्फीयर लिए और एक सिलेंडर लिया, ऐसे करके। तो एक सीन बनाएंगे कॉपी पेस्ट करके। चलो चलते हैं अपने सॉफ्टवेयर पे, प्यारे से सॉफ्टवेयर 1-2-3D में। ये रहा हमारा सीन, इस सीन में आप देख पा रहे हो कि एक यहाँ पर दिखाते हैं बॉटम में, ये देखो आप, ये सिंपल स्फीयर है एंड ये सिलेंडर है। फिर आप इधर देखो, ये एक बॉल है, इसको कलर करना, कलर करने का सेशन भी आपको दिया है, आप देख लेना यहाँ पर। एंड फिर ये बैट है, ये MRF का तो नहीं है लेकिन एक बैट है, चौवा छक्के मार सकते हो इससे। और इस पे कौन सा ब्रांड होगा, ये MRF का भी नहीं है, वो सचिन तेंदुलकर वाला, ये आपका बैट है, आप इस पे अपना ब्रांड नाम लगा सकते हो। एक वीडियो बताएंगे आपको टेक्स्ट कैसे इस पे लिखना है, इसके ऊपर कैसे नाम लिखना है। चलो लेकिन आज कॉपी पेस्ट। यहाँ पर देखो ये स्टम्प, स्टम्प के टॉप पे आप देखो ये यहाँ पर कितना ये स्मूथ सा आ रहा है ये। तो ये शेप आप देखो, पहले कितने शेप इसमें यूज़ हुए हैं आप देख लो। एक तो सिलेंडर यूज़ हुआ है, देन उसके बाद एक कोन, ये रहा कोन, देखो दिखाते हैं आपको, ये रहा कोन, ये रहा सिलेंडर। तो ये बेसिक शेप में दो चीज़ें आ गई। फिर एक बॉल बनाने के लिए आपको ये स्फीयर यूज़ करना, एंड उसके बाद बैट के लिए आपको नो डाउट इस बॉक्स का यूज़ करना पड़ेगा, और ये जो ऊपर गुल्लियाँ रखी हैं उनके लिए तो स्फीयर एंड सिलेंडर दोनों मिक्स करना पड़ेगा। तो आज हम देखेंगे कॉपी पेस्ट और एक सीन ये रेडी करेंगे। चलो एक नया सीन लेते हैं, या इसमें ही बनाते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा बढ़िया से। सबसे पहले आपको बनाना है स्टम्प। तो ये स्टम्प बनाने के लिए आपको बेसिक शेप चाहिए सिलेंडर, तो यहाँ पर गए और ये सिलेंडर और इसको बनाना है इस ग्रिड के ऊपर। ये क्लिक किया ग्रिड के ऊपर, पास में आते हैं, एंड इसका साइज़ काफ़ी बड़ा होना चाहिए, एंड तो इसको सिलेक्ट किया, एंड स्केल नॉन यूनिफॉर्म स्केल से इसको थोड़ा सा बड़ा कर लिया यहाँ पर। थोड़ा सा पतला भी होना चाहिए, तो यहाँ पर इतना और पतला इतना, नो डाउट थोड़ा सा और बड़ा होना चाहिए। तो आप स्केल भी कर सकते हो या आप ट्विक भी कर सकते हो, आपको पता है ट्विक कैसे करना है। थोड़ा सा यहाँ पर ट्विक करने से ये बेनिफिट मिल गया कि ये नीचे का जो एरिया था वो वहीं एज इट इज़ ही रहा, ऊपर इसकी लेंथ बढ़ी, थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो रहा है। अब इसके ऊपर आपको क्या चाहिए, एक ये कोन चाहिए, क्योंकि ज़मीन में इसको धसाना है तो इस तरह से कोन चाहिए होगा आपको, इसका कोन बनाते हैं। कोन बनाने के लिए आपको क्या लेना है, यहाँ से एक ये कोन लेना है, कोन शेप है, अभी हम इसको ऊपर लगा लेंगे, फिर इसको रोटेट कर लेंगे। देखो
ये इसके ऊपर रखेंगे, ऑटोमेटिक स्नैप ऑन होता है जब आप फर्स्ट टाइम किसी ऑब्जेक्ट को लेते हो, तो ये स्नैप कर सकते हो, ग्रिड पे करोगे ग्रिड पे, लेकिन नहीं हमको तो स्टेम के ऊपर चाहिए, तो जैसे हम इसके ऊपर वाले फेस पे आएंगे वो अपने आप उसको स्टिक करेगा। देखो बिल्कुल एग्जैक्ट उसके ऊपर थोड़ा सा चेंज हुआ है, फिर से आपको लेके दिखाते हैं, टॉप से देख लो और अच्छे से रहेगा, ऑर्थोग्राफिक ताकि फ्लैट व्यू हम देख सकें। और ये रहा सेंटर, होम पे आ जाते हैं, देखो बिल्कुल बीच में है सेंटर पे, इसको थोड़ा छोटा करना होगा, साइज़ इसका रीसाइज करते हैं, इतना, और इसको मूव करते हैं यहाँ से, वेरी गुड हो गया दिस वन, ये स्टंप हमारा रेडी है। ये इसको अभी रोटेट करना होगा, चलो रोटेट भी करेंगे, तो अब ये हमारे पास एक स्टंप रेडी है। देन अब आपको क्या करना है, देखो ये टॉप पे यहाँ पे, चलो इसको रोटेट कर ही लेते हैं, तो इसको सिलेक्ट करते हैं साइड से एंड रोटेट ऐसे करके, ठीक अपोजिट रोटेशन ये, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये देखो ऊपर स्टंप के ऊपर यहाँ पर ये बड़ा स्मूथ सा गोल सा दिखाई दे रहा है मेरे स्टंप में, देखो ये बड़ा शार्प एज सी आ रही है, तो ये थोड़ा सा डिस्टॉर्शन सा दिख रहा है, देखो पूरा सीन पूरा डिस्टॉर्ट सा लग रहा है छोटा बड़ा, तो ये ऐसा क्यों, क्योंकि हमने यहाँ से फ्लैट व्यू किया था, तो आप इसको पर्सपेक्टिव में अगेन कर लो ताकि आपका 3D व्यू सही से दिखाई दे। अब इसके ऊपर वाले जो ये एज है, इस एज को सिलेक्ट करेंगे, और आपको बेवल एंड चैम्फर की जो सेशन दिया था वही है यहाँ पर, सॉरी बेवल बोला, फिर से बेवल बार बार बोल याद आ जाता है, चैम्फर एंड फिलेट, तो ये एज सिलेक्ट की, और ये दो ऑप्शन आ रहे हैं चैम्फर एंड फिलेट के, तो आपको अगर गोल चाहिए तो आप फिलेट कर सकते हो, आपको स्ट्रेट चाहिए तो आप चैम्फर, जैसे ये देखो आप, और ये यहाँ पर ये एरो आ गया, इस एरो को थोड़ा, तो ये देखो बिल्कुल स्ट्रेट चल रहा है, लेकिन हमको कैसा चाहिए, गोल चाहिए, तो हम थोड़ा सा स्ट्रेट, एंड अगर आपको गोल चाहिए तो आप फिर से अगेन यहाँ पर सिलेक्ट कर लो, और इस बार हम फिलेट करेंगे क्योंकि हमको गोल स्मूथ सा चाहिए। देन दिस वन देखिए यहाँ पर ऊपर, इसके साथ भी आप ऐसा कर सकते हो, ये आपके ऊपर है, आपको ऐसा चाहिए नहीं चाहिए, या फिर जैसा भी आपको चाहिए आप वैसा कर सकते हो, थोड़ा ऐसा रहने देते हैं स्टम्प लुक में, दिस वन यहाँ पर देखो, अब हमारा ये स्टंप रेडी हो चुका है। एक स्टंप बनाया हमने, एक स्टंप, इसके बाद इसकी कॉपी पेस्ट 1 2 3 4 5 6 ऐसे कर देंगे, ये भी बनानी क्योंकि इसकी भी दो कॉपी है, तो पहले एक बना ले फिर इसकी एक कॉपी कर देंगे ऐसे, तो चलते हैं अब इसको बनाते हैं। तो इसको बनाने के लिए क्या करना है आपको, देखो सबसे पहले ये 1 2 3 बेसिक शेप देखो इसमें कितने हैं, 1 2 3 1 2 3, एक स्फीयर चाहिए और एक सिलेंडर चाहिए, और उस सिलेंडर के ऊपर छोटे छोटे ये देखो रिंग्स ही बनी, ये भी बनाने हैं, तो चलो बनाते हैं इसको। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक सिलेंडर चाहिए, बेसिक शेप में जाना है एक सिलेंडर, और ये इसके ऊपर नहीं बनाना, ये अलग ही बनेगा, एंड इसका साइज रिसाइज करते हैं यहाँ से, छोटा और छोटा और छोटा, इतना, एंड तीन कॉपी हैं इसकी, तो देखो कॉपी अब करने के लिए क्या करना है, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, आपको कंट्रोल प्रेस करके रखना है, कंट्रोल सी वी कर देना, जैसे आप कंट्रोल सी करके वी पेस्ट करोगे तो आप देखोगे यहाँ पर एक टूल आ रहा है, ये टूल आ रहा है कि इसके ऊपर दो कॉपी हो गई, आपको इसको निकाल देना बाहर, तो ये एरो यहाँ पर ध्यान रखना, बाहर अगर क्लिक हो गया तो यहाँ पर आपको पता भी नहीं चलेगा और वो डबल ऑब्जेक्ट हो जाएंगे, तो यहाँ पर इसको ये देखो आप, ये कॉपी हो गई, अब एक कॉपी और चाहिए हमको, तीन चाहिए था, तो कंट्रोल सी एंड वी अगेन दिस वन, तीन हो गए। अभी आपको एक सिलेंडर चाहिए, ये सिलेंडर चाहिए इसके आर पार करने के लिए, तो एक सिलेंडर होना चाहिए, तो सिलेंडर लेते हैं अगेन, ये रहा सिलेंडर, और ये सिलेंडर कहीं पर पेस्ट किया, और इसको भी रिसाइज करना होगा क्योंकि इसको बहुत लगभग इतना, लेकिन इसकी लेंथ तो बहुत छोटी है, तो लेंथ आप बढ़ा सकते हो टीक करके या फिर
नॉन यूनिफॉर्म स्केल के थ्रू। थोड़ा सा दूर आके देखते हैं, देखो टाइम लग रहा है, स्केल कम हो रहा है, ट्विकिंग करा देते हैं, जल्दी हो जाएगा। ट्विक, ये रहा ऑप्शन। अभी इसको रोटेट करना होगा, तो ये रहा रोटेशन 90। और ये टॉप से ऊपर से इसको सेट करना है, मूव यहाँ पर, और साइड से भी इसको आप देख सकते हो, देखो अभी ठीक नहीं है, थोड़ा सा अंदर, ऐसे समझ में नहीं आएगा, इसको फ्लैट भी कर लो आप ऑर्थोग्राफिक पे, ये देखो एग्जैक्टली आपको यहाँ से पता चलेगा कितना को रखना है यहाँ पर। व्यू चेंज करते हैं, यहाँ से देखते हैं, एग्जैक्टली बिल्कुल सही जा रहे हैं। अब देखते हैं, नाइस, थोड़ा सा पास डिस्टेंस थोड़ी सी बढ़ी है, नो डाउट, कोई बात नहीं, आप यहाँ से मूव करा लो ये, एंड इसको भी यहाँ। अभी आप देखो, ये कितना बाहर निकालना है, कितना अंदर, तो ये आप देख लेना। चलो अब रिंग छोटी छोटी बनानी है आपको, जैसे इसमें रिंग थी, ये वाइट कलर की आप रिंग देख रहे हो। सो उसके लिए क्या करना है आपको, इसी सिलेंडर का कंट्रोल सी एंड वी कॉपी पेस्ट करना है, और इसको थोड़ा सा बाहर, ऐसा इसलिए किया ताकि इसका जो रेडियस है वो इसके बराबर ही रहे, और इसका साइज अब छोटा करेंगे, और छोटा सफिशियंट है। अभी क्या करना है, थोड़ा सा साइज इसका ओवरऑल बढ़ा देंगे, ऐसा इसलिए ताकि ये इसके ऊपर रहे, लाइक दिस, देखिए आप ऊपर है ये, ये देखो ये, अगर ये सेम साइज का होता तो ये इसके अंदर धस जाता है, आपको समझ में भी नहीं आता। सो इस सिलेंडर का साइज थोड़ा सा और बढ़ेगा, लाइक दिस, और अब देखो इसमें बेवल करना है आपको, तो सिलेक्ट करते हैं, सॉरी चैम्फर करना है, एज सिलेक्ट करना है हमको, दोनों साइड की एक साथ शिफ्ट के साथ लेना है, एंड यहाँ गोल करने के लिए फिलेट, थोड़ा सा ये एरो अंदर, ये देखो स्मूथनेस आ गई, ये जितनी आपको चाहिए उतनी। अब क्या करना है, कंट्रोल सी और वी, तो आप देख रहे हो कि एक ऑब्जेक्ट को हम बस कॉपी पेस्ट कर रहे हैं और कुछ नहीं, और दो, यही दो चीज़ें उधर भी जाएंगी, कंट्रोल सी एंड वी, तो इसी को कॉपी करके इस साइड भी ले लिया, तो ये देखो आपने बना दिया, ये थोड़ी सी लेंथ इसकी ज़्यादा हो रही, मैनेज करना आप लोग, तो ये भी बन गई आपके पास में। अब देखो कॉपी पेस्ट कितना इजी कर रहा है अपने काम को ना, चलें ये स्टंप भी कॉपी पेस्ट कर देते हैं, 1, 2 एंड 3, तो ये और साथ में ये, तो कंट्रोल सी एंड वी, ये देखो आप, ये रहा। फिर आपको करना है इसके साथ में कंट्रोल सी एंड वी, ये देखो यहाँ पर, उसके बाद ये तीन है तो तीन एक साथ ले सकते हो, तो हमने सारे लिए क्योंकि तीन करने हैं, कंट्रोल सी एंड वी, आप इसको भी देखो, थोड़ा पीछे कर लो, ये देखो कितनी जल्दी आपने इसको बना लिया, नो डाउट कि आपको यहाँ ये नहीं करना है कि सारे ऑब्जेक्ट बार बार बनाने हैं, तो ये कॉपी पेस्ट ऐसे करना है आपको ना, इसकी भी कॉपी पेस्ट चलेगी, कॉपी पेस्ट इसको भी करना होगा, तो यहाँ से कंट्रोल सी एंड वी, अभी ये सारे डिलीट करेंगे, फिर से एक बार कॉपी पेस्ट करेंगे, अभी बताएंगे किस लिए। सो अभी आपको ये बॉल बनानी है, तो बॉल में कुछ नहीं है, ऊपर से जाइए, एक बेसिक शेप, बॉल कितना बड़ा छोटा रखना है, रिसाइज करिए उसको यहाँ से, और ये बॉल आपकी हो गई। अभी आपका एक रह गया है, ये बैट, ये बैट कैसे बनाना है, बहुत सिंपल है, बैट बनाना आपको ऊपर से जाना है, एक बॉक्स लेना है, बॉक्स का साइज़ आपको रीसाइज करना है, रीसाइज इन द सेंस कि आपको इसकी
कितना मोटा बैट रखना है। सचिन तेंदुलकर का होता है ना काफ़ी बड़ा बैट, तभी तो वो चौके छक्के लगा पाता है ये। और इसकी थिकनेस होगी और कम इतनी लमसम। अब इसमें ये ऊपर पकड़ने के लिए इसकी यहाँ पर सिलेंडर की ज़रूरत पड़ेगी आपको, तो एक सिलेंडर चाहिए। अब देखो इसके ऊपर सिलेंडर बनाना है आपको। सो सिलेंडर बेसिक शेप में ये रहा सिलेंडर, यहाँ रखते हैं। और ये सिलेंडर का साइज़ बहुत बड़ा सा हो रहा है, हम छोटा करेंगे इसको रिसाइज करके। सफिशियंट है, और थोड़ा सा इसकी लेंथ को भी बढ़ाना पड़ेगा यहाँ से ये। अब इसको देखते हैं, सेट करते हैं इसको कैसे सेट होगा। यहाँ से फिर से फ्लैट करना है, और अब रोटेट करते हैं यहाँ से, ये रोटेट हो गया। और ये यहाँ पर टॉप से एक बार देख लेते हैं, नहीं थोड़ा सा यहाँ पर, और अभी भी बड़ा सा लग रहा है, काफ़ी मोटा लग रहा है डंडा इसका, ये थोड़ा सा पतला। यस, और क्या करना है, अब इसकी लेंथ को बढ़ा दीजिए। कितना, ये थोड़ा सा ये बड़ा अगर लग रहा है आपको, कोई बात नहीं, आप यहाँ से इसको ट्वीक करा सकते हो। ट्वीक का सेशन आपको दिया गया है, जिसमें जितना करना है आप कर सकते हो यहाँ पर। सो नो डाउट, अब चलते हैं यहाँ पर्सपेक्टिव व्यू में, ताकि ये डिस्टॉर्शन सा ना दिखाई दे। और आप देखो यहाँ पर कि ये यहाँ पर भी ये स्मूथ सा हो रहा है ये, और इसके कॉर्नर्स देखो यहाँ पर, तो ये कुछ नहीं है, बेवल सॉरी चैम्फर एंड फिलेट का ही काम है। आपको बताया चैम्फर एंड फिलेट, तो आप चैम्फर एंड फिलेट इस पर भी कर सकते हो। सिलेक्ट यहाँ पर ये एक साथ आप सारी एज ले सकते हो ये। और यहाँ से चैम्फर कराते हैं पहले, क्योंकि स्ट्रेट चाहिए हमको, थोड़ा सा अंदर देखो ये, ठीक है। उसके बाद आपको ये वाली एज यहाँ से इसको आप फिलेट करा दो गोल गोल, थोड़ा सा अंदर धकेलते हैं ये देखो हो गया ना ऐसा, दिस वन जैसे इसमें था, यहाँ पर आप देख सकते हो। ये देखो, तो अब क्या करना है, अब इसके ये कॉर्नर्स भी हमको ऐसे करने होंगे, 1 2 3 इधर से शिफ्ट के साथ, एक से ज़्यादा एजेस आपको लेनी होगी। एंड स्मूथ करना है थोड़ा सा, ज़रा सा स्मूथ हो जाए दिस, ये सफिशियंट है हमारा। नाउ थोड़ा सा इसको भी और छोटा भी होगा, क्योंकि कुछ ज़्यादा लग रहा है इतना समथिंग। एंड इसको ट्वीक करना है इसके बराबर यहाँ तक। सो ठीक हो गया, आई थिंक अभी ठीक है ये ना। अब चलना है ऊपर, ये देखो यहाँ ये। सो इसमें भी कुछ नया नहीं है, आपको बस वही करना है जो अभी तक किया, कंट्रोल सी एंड बी, इसकी कॉपी लेना है थोड़ा सा बाहर। एंड इसका साइज छोटा करना है इतना लगभग, और छोटा कर सकते हो ये। और ओवरऑल साइज इसका थोड़ा सा बढ़ा दिया, ताकि ये इसको ऊपर रहे तो दिखाई दे। एंड इसको मूव करते हैं और सेट करते हैं इसके ऊपर, चलते हैं इसके पास में। देखो किसी भी ऑब्जेक्ट को, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के पास में जाना है पर्टिकुलर, जैसे इसके पास में जाना है, तो दूर से सिलेक्ट किया और अपने कीबोर्ड से F बटन प्रेस कर दी, तो उस ऑब्जेक्ट को ही वो हाईलाइट कर देगा। अब देखो यहाँ पर
ये कॉर्नर्स इसके कैसे होने चाहिए गोल, जैसे अभी हम लोग पीछे करके आए हैं ये, और ये इस टाइप से। अभी कुछ नहीं करना आपको, इसको थोड़ा सा मूव करना है ताकि ये गैप जो आ रहा है ये फिल हो जाए यहाँ से, लाइक दिस। एंड नाउ कंट्रोल सी एंड वी, बस कुछ भी नहीं करना आपको, वेरी इजी। दो हो गए, अब ये दोनों एक साथ आप ले सकते हो, कंट्रोल सी एंड वी, कि दो कॉपी एक साथ चलें ये। अब नेक्स्ट टाइम आपको 1 2 3 4 1 2 3 4 कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, यहाँ से आप देख सकते हो ऐसे। नाउ 1 2 3 4 इतना ही आएंगे यहाँ, तो उतना ही हमने लिए इस बार क्योंकि स्पेस कम हो रहा था। ओफ ये सो ये एक्स्ट्रा हो रहा है, इसको आप डिलीट कर दो। देखो इस टाइप से ये, बस आपका रेडी हो गया। बस अब रह क्या गया, केवल कलर ही तो करना है और कुछ नहीं करना है ना। तो देखो ये अभी हमने आपको बताया था कि ये हम डिलीट करेंगे, तो अब हम डिलीट करने जा रहे हैं। क्यों डिलीट करने जा रहे हैं, क्योंकि अब क्या है हमारे पास सारे ऑब्जेक्ट अलग अलग हो चुके हैं, तो अब कलर करने के लिए सब पे कलर करना पड़ेगा, जबकि क्या है एक ही कलर है सारे स्टंप के ऊपर, तो हम एक पे कलर कर लेंगे फिर उसकी कॉपी कर लेंगे, तो वो ज़्यादा ईजी रहेगा। तो ये सारे के सारे फिर से डिलीट कर दो, यहाँ से भी और यहाँ से भी, सॉरी ये गया। एंड बॉल रहने दो, बॉल एक ही है, ये यहाँ से डिलीट कर दो ना। अब देखो यहाँ पर एक स्टंप को कलर करना है, ऐसा करना है कलर जैसा भी आपको चाहिए, यहाँ से कलर, कलर वाला सेशन दिया है आपको, और यहाँ से ये अप्लाई ओवरले चेक लगा होना चाहिए, अदरवाइज़ वो आपके कलर को एक्सेप्ट नहीं करेगा। एंड यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हो, ये देखो थोड़ा सा डिफरेंट कलर रखते हैं ताकि वहाँ से अलग दिखाई दे। ये कलर हो गया, ओके नीचे वाला भी ये, तो वो भी हो गया। अब क्या करना है आपको, ये इनका कलर भी चेंज करना है, इनका सिलेंडर किसी और कलर से करते हैं, ये रहा कलर हमारा कुछ ऐसा होगा। एंड ये जो रिंग्स हैं इनका कलर कुछ वाइट सा रखते हैं, वाइट रिंग्स। और ये जो स्फीयर है इनका कलर कुछ और चेंज करते हैं, कुछ ऐसा रखते हैं। सो आप यहाँ पर भी देखो, ये पहले ही कॉपी कर ली, आप इसको भी ऐसे ही कर सकते थे, एक बनाते पहले कलर लेते उसके बाद कॉपी करते, चलो कोई बात नहीं, आपको यहाँ से डिफरेंस भी पता चल जाएगा। यहाँ पर आते हैं और सेलेक्ट किया इसको एक, ये अब सबको क्लिक करते चले जाओ आप, ताकि सेम कलर अप्लाई हो जाए उनके ऊपर, दिस वन। ये अंदर जो आपका सिलेंडर है इसका कलर भी कुछ चेंज कर दो, दिस। एंड ये बैट का कलर आपका होगा, जो भी कलर आपको रखना है अपने बैट का वो आप रख सकते हो, मैंने ऐसे किया। चलो ये बैट बन गया, बॉल का कलर भी आपको वो ये रखना होगा, थोड़ा सा अच्छा फील होगा। चलो ठीक है, ये बॉल का कलर हो गया। अब देखो यहाँ पर ये दो चाहिए, कोई बात नहीं कलर हो चुका है, अब इसको कंट्रोल सी एंड वी कर दो, तो सेम कलर के साथ में कॉपी हो रही है, ये देखो आप बच गया आपका काम, नहीं तो इसको फिर से आपको कलर करना। अब छह स्टैम्प चाहिए, कोई बात नहीं आप कंट्रोल सी भी करो, और एक ये हो गया आपका। अब देखो कलर नहीं आपको लगाना पड़ा, कंट्रोल सी भी, एक ये हो गया। एंड क्योंकि तीन ही और चाहिए तो सारा सेलेक्ट करके कंट्रोल सी भी, और ये यहाँ पर कॉपी कर लिया। सो ये रहा आपका सीन। अभी आपको ये बैट ऐसे घुमा के रखना है, कोई बात नहीं अब तो आपका सीन रेडी है। आप साइड में जाइए, यहाँ से फ्लैट कर लो व्यू को ताकि आपको चीज़ें अच्छे से दिखाई दें, और रोटेट ही तो करना है आपको थोड़ा सा, और मूव करके ये इसके सहारे ऐसे आप रख सकते हो। ओह अब देखो ये दूर है यहाँ से, क्योंकि ये फ्रंट से नहीं दिखाई देगा, हम टॉप से देखेंगे तो ये समझ में आएगा कितनी दूर है। और यहाँ से
थोड़ा सा नाइस एंड थोड़ा सा नीचे, हो गया। और ये गुल्ली एक इसके ऊपर रखी है, तो आप भी अपनी गुल्ली को इसके ऊपर रख दे। टॉप से ये कहाँ जाएगी, ये इसके ऊपर, और यही चीज़ फ्रंट से कैसी दिखेगी, नीचे है ऊपर कर दो यहाँ पर। सो आप देख सकते हो आपका सीन रेडी हो गया है, 3D सीन, और जो चीज़ें जहाँ होनी चाहिए वो चीज़ें वहाँ हैं। कैसे बनाया हमने, कॉपी पेस्ट के थ्रू, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा अगर आप कॉपी पेस्ट का यूज़ करोगे। लेकिन उसमें सबसे पहले आपको देखना ये होगा कि ऑब्जेक्ट कौन सा कॉपी करना है, तो पहले उस ऑब्जेक्ट को पहले बना लो आप पूरा, उसके बाद में आप उसको कलर कर लो, और फिर उसका पेस्ट करके जितनी आपको कॉपी चाहिए उतना कर लो, तो आपका बहुत सारा काम बच जाएगा और काम जल्दी हो जाएगा, आपको काम करने में मज़ा भी आएगा। तो यहाँ पर बेसिक शेप यूज़ हुए हैं, कितने हुए आप लोग, आपसे क्वेश्चन है कि कितने बेसिक शेप यहाँ यूज़ हुए हैं, आप लोग कमेंट में इसको बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसके डिस्क्रिप्शन में आपको कुछ लिंक मिलेंगे जो इससे रिलेटेड हैं, आप लोग वो देख लेना, जैसे चैम्फर कैसे होना है, फिलेट कैसे होना है, ट्वीक कैसे करना है, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू।